अब बिला तखीर मैं दावत खिताब देता हूँ अपने इंतहाई मुशफिक मुरब्बी मोहसिन हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस ज़िला गुजरांवाला आपके सामने खिताब फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अपनी तशरीफ आवरी का सबूत पेश कीजिए। नाराए तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, अजमत कुरान करीम, अजमत सहाबा, उलमाए हक, उलमाए अहले हदीस, कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादु। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون واجب الاحترام سامعین محترم अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमेन सैयदुस साकालेन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी ते साहिबो और अजीज साथियों अज दा अजीम शान पुरवकार इज्तिमा जिस दे अंदर तुसी हजरात बड़ी मुहब्बत और बड़े जौक नाल अल्लाह दे इस घर अंदर तशरीफ फरमा हो और बरादरे मुकर्रम हजरत हाफिज अताउर रहमान आमिर हफिजाहुल्ला
और उन्होंने अहबाब रुफका जिस मुहब्बत दे नाल इस बजम नो सजाया अल्लाह दे हुजूर दर्द दिल ना ये दुआ फरमाना। अल्लाह साडा सब दा आना बैठना अपने दरबार अंदर मकबूल ओ मंजूर फरमाए और साडे इस मिल बैठन नो अल्लाह साडे सारें दी निजात दा जरिया और सबब बनाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक दे अंदर वाजे और दो टोक ऐलान फरमाया कि दुनिया वालों मैं कायनात दे खालिक व मालिक ने इस कुरान पाक नु आप नाजल फरमाया और मैं कायनात दा खालिक ते मालिक आप ऐलान कर रहा कि एदी हिफाजत दा जिम्मा भी मैं आपे ही उठा लिया। एदी आवाज़ ठीक करो जी, इको शिको बंद करके आवाज़ जरा खोलो, इको बेस बंद रहन दो, आवाज़ खोल दो, आवाज़ ना बंद करो। और तुसी अंदाजा फरमाओ कि आम माशरे दे अंदर असी वेने आ जिस बंदे दे चार चौफेरे कोई बॉडी गार्ड होन, कोई गन मैन होन, कोई असलहा बरदार होन, कोई मुहाफिज और मददगार होन, असी वेने आ फलां बड़ी अजीम मजहबी शख्सियत, फलां बहुत बड़ा सियासतदान, उदे चार चौफेरे इन्ने असलहा बरदार और गन मैन ने ते इनू वाला कौन बंदा कोई नुकसान पहुँचा सकता है। हालांकि जिदी हिफाजत कीती जा रही है उदे भी इलम वेच और जेड़े हिफाजत करन वाले ने उन्हां दे भी इलम वेच के मौत दा वक्त भी मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है, एक सेकंड ना पहला आ सकती है ना बाद में आ सकती है। इसके बावजूद जेड़ा हिफाजत करवा रहे है वो भी बड़ा मुतमाइन है कि मेरे चार चुफेरे बड़े पहरेदार और जेड़े पहरेदार ने वो भी समझते ने कि असी बड़े बहादुर हाँ, साढ़े को असलहा दे ढेर और असलहा दे अंबार ने। मैं कुर्बान जाव इन्हां ते सानू इन्ना यकीन ते मान हुंदा ते जिदी हिफाजत दा जिम्मा कायनात दा रब आप उठा लै उन्हों कोई दुनिया दी ताकत नुकसान पहुँचा सकती, जिदी हिफाजत दा जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन उठाए। और साडा ईमान और अकीदा के कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा भी रहमान ने उठाया और हबीबे खुदा दी हिफाजत दा जिम्मा भी खुद रब रहमान ने आप उठाया। आओ जरा अल्लाह दा कुरान समात फरमाइए, रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या अय्युहर रसूल बल्लिग, अजे तुहाडा पैंडा बड़ा लंबा है, अज एदी एडी छेती जान छुटदी नहीं नजर आ रही। माशाला कुर्रा उलमा दियां लैना लगी आन और इंशाला तुहानू कुरान सुन्नत दा मी बरसान गे और साडे दिलां दियां उजड़ियां बस्तियां नू इंशाला आबाद करनगे, शादाब करनगे। तवज्जो मेरे वर रखे आजे, मैं बड़े इख्तिसार नाल चंद बातां तुहाडी खिदमत पेश करना चाहना, जरा गौर करना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबाने नबुव्वत तो ऐलान फरमा दियो, ए मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम आप फरमा दियो, या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कुरान में तेरी अजमत तो सदके जावा, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम साडा पैगाम लोगों तक पहुँचा दियो, जो असा तुहाडे कलबे अनवरो अतहरो आला ते नाजल फरमाया, ए साडे पैगाम नू लोगों तक पहुँचा दियो, ए अरशा वाले आ रब्बा तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अकेले ने, कोई बड़ी जमात नहीं, कोई बड़ी तंजीम नहीं, अल्लाह प्यारे पैगंबर अली सलाम दे इर्दा गिर्द कोई बहुत बड़े मुहाफिज ते पहरेदार नहीं, इर्दा गिर्द को बड़े बड़े जंगजू नहीं, दुश्मन से ज्यादा तेरे महबूब पैगंबर अली सलाम अकेले ने, सोने किते ऐसा ना होए तेरे पाक पैगंबर नु कोई नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह फरमान देने लोगों ए तुहाडे सोचन वाली गल नहीं, मैं कायनात दा रब कह रहा वा, वल्लाहो यासे मुका मिनन्नास, मैं रब वादा कर रहा वा, सुनियो साडा पैगाम सुनाना तुहाडा कम ए, और दुश्मन कोलो कदम कदम ते तुहाडियां हिफाजत करना अर्श वाले रब दा कम ए, और वाकईतन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप दी हिफाजत दा अल्लाह ने जिम्मा उठाया, ते फिर रब्बुल आलमीन ने 100% तो बढ़ के इस फर्ज नो जो अपने जिम्मे ले पूरा फरमाया। प्यारे पैगंबर अली सलाम तो वसलाम आप यहूदन दा खाना खान वास्ते तशरीफ लागा, जहर मिलिया होया, ते मेरे आका अली सलाम ने एक लुकमा फिर दूसरा लुकमा उठाया, ते बूटियां चो लुकमे चो आवाज आई, ना खाया जे साडे विच जहर रलिया होया। यहूदन दे जहरीले खाने तो मेरे महबूब नु बचान वाला कौन है, बोलो कौन है। एक और मौका आया, दुश्मन सारे इकट्ठे हो गया, कहन लगे यार बड़ी अजीब गल है, दिन ब दिन एदे साथी वधदे जा रहे ने, एदे यार उन्हां दे अंदर इजाफा हुंदा जा रहा, अजीब जी सूरत हाल, जिवें जिवें एदे दोस्तां नूं असीं मारने कुटने ज्यादा, इन्हां ते तशद्दुद ज्यादा करने आ, बजाए घटन दे ए दिन ब दिन वधदे ही जांदे ने। और वाकईतानी अजीब सूरत हाल ए वे के सोचते ए वे इन्हां नूं मारो कुटो नुकसान शान पहुंचाओ जुलम करो तशद्दद करो ताकि एदे कोलो हट जान या कम अज कम अगो कोई एदा कलमा ना पढ़े, लेकिन जिमें जिमें मारा वादियां जांदियां ने नबी दे यार भी वधदे जांदे ने, जेड़ा एक बार आ जांदा है मुड़ वापस जांदा मुड़ के वापस नहीं जांदा। और एक वही वजह को तुसी अंदाजा फरमाया दे, प्यारे पैगंबर अली सलाम तो बस सलाम, बल्कि मैं तो इस तरह कहा करना कि आज वेखो ना है मजलस माशाल्लाह कुरान दी महफल है, सुन्नत दी महफल है, हदीस दी महफल है, नबी पाक अली सलाम तो बस सलाम दी सीरत दी महफल है, और सोने सुनने वाले भी मुसलमान सुनान वाले भी मुसलमान, नबी दी अजमत
ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਰਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਜਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਲਾ ਮਜਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜਲਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਐਸੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿਰਕਲ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਏਵੇ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਾਮਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨਿਓਲਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨਿਓਲਾ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਵਾਲਿਓ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਬਸ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਫਿਦਾ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਬਸ਼ ਵਲੈਤ ਤੇ ਰੂਮ ਫਾਰਿਸ, ਛੱਡ ਕੇ ਹਬਸ਼ ਵਲੈਤ ਤੇ ਰੂਮ ਫਾਰਿਸ, ਕੁੱਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਇਹਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾੜੀ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਮਹਾਜ਼ੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਹਾਜ਼ੱਲਾ, ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਰੁਨ ਨਦਵਾ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ,
कहन लगे लो जनाब फैसला हो गया इन खत्म कर दिता जाए, बलवा कर दे दे घर दे चार चुफेरे दा मुहासरा कर लो, इर्दा गिर्द पहरेदार यानी तलवारा लैके खड़े हो जाओ, जदों बाहर निकले अचानक देते हमला कर दो, की पता लगना कि तलवार ना कतल हो गया ने महाजल्ला प्रोग्राम बन गया ने, ये प्रोग्राम बना के अपने अपने घर वाल टुर पैना झल्या नू की पता मारन वाले नालों बचान वाला बड़ा ही ताकतवर है। रब ना मारे ते बोलो कोई मार सकदा, क्योंकि मेरे महबूब की हिफाजत दा जिम्मा रब ने उठाया। वल्लाहो या से मौका में ना जलाल हिफाजत फरमा रहे कायनात दे इमाम अलैहि सलाम दे दुश्मना मनसूबा बंदी कर ले, ए घरां वाल टुरे आसमान तो जिबरील मेरे नबी वाल टुर पै और अल्लाह दा ले आके पैगाम सुनाया वा इज यम को रोबे कल्लाजीना काफारो ले युस्बे तू का औ या कुतलो का औ वायम करो न वायम करो वल्लाह खैरुल माकिरीन। ए मेरे महबूब इना प्रोग्राम बनाए ने, कोई आंदा तुहानू जेले बंद कर दिता जाए, कोई आंदा तुहानू जला वतन कर दिता जाए, कोई आंदा तुहानू माज अल्लाह कतल कर दिता जाए, इना मारन दे प्रोग्राम बना लेने, असा तुहानू बचान दे प्रोग्राम बना लेने। रब ना मारे ते बोलो कोई मार सकदा नहीं। और केड़े वेले यजदानी शहीद याद आए, अल्लाह उस वली दी कबर ते रहमत दी बरखा नाजल फरमाए। पर बता देना एक मौके ते हजरत नु जदों खंजर लगे उस मौके ते फरमाया सी, ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा। रब ना मारे ते बोलो कोई मार सकदा, ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा, बूटा रिजक दा जिदा अजे हरिया होवे दरिया भी उसनू डोब दे नहीं, दरिया भी उसनू डोब दे नहीं, हाथ जिस दा खुदा ने फड़िया होवे बच्चे मापे ते पाइयो नो याद पेंदे, जेड़ा मौत दे सफर ते टुरिया होवे अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, औखा वेला जदों जिंद ते बनिया होवे ते उदों फरमाया सी खंजर दस वजन पावे लख वजन मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे। रब ना मारे ते बोलो कोई मार सकदा नहीं। मैं कुर्बान मुस्तफा दी हिफाजत दा जिम्मा रहमान ने उठा, कुरान दी वारी आई, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस कुरान नू नाजल भी असा कीता और एदी हिफाजत दा जिम्मा भी असा उठाया। अच्छा ओदे वास्ते सवाल पैदा हुंदा, या अल्लाह तुसा को गन मैन खिलारे ने, को बड़े फौजी खिलारे ने, कोई बड़े बड़े ए बहादुर ते जर्री एदी हिफाजत वास्ते खड़े कीते ने। फरमाया नहीं, मैं कुरान दी हिफाजत करांगा,
इन्हां कारियां दे जरिए कुरान दी हिफाजत करांगा, इन्हां हाफजां दे जरिए सत सत अठ अठ नौ नौ साल दे बच्चियां दे सीने विच अल्लाह अपना कुरान महफूज फरमा देंदे ने। पिछले दिनों एक नौजवान बच्चे दी खबर चल रही सी, 13 साल या 14 साल का बच्चा कुरान दा भी हाफज ते सही उल बुखारी दा भी हाफज, कुरान दा भी हाफज बुखारी शरीफ दा भी हाफज। मेरे भाई मेरे बरादर, कुरान दे अल्लाह जुल जलाल ने वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। जिवें मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दी जात दी हिफाजत दा जिम्मा उठा या इंज कह लो जिवें साहिबे कुरान दी हिफाजत कीती है, एवें ही रब ने कुरान दी भी हिफाजत फरमाई है। ते अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दा कुरान 1400-1450 साल दा अरसा बीत गया। अल्लाह दी कसम है तौरात इंजील ज़बूर आज अपनी असल हालत विच तुहानू नजर नहीं आउणगे। 1400-1450 साल दा अरसा गुजरन दे बावजूद कुरान दी जबर नू जेर कोई नहीं बना सकिया, ते जेर नू पेश कोई नहीं बना सकिया। यही ते कुरान दा सब तो बड़ा एजाज है, यही ते अंबिया अलैहिम सलातो व सलाम उन्हां दे मौजज़ात वेखो ना जरा। मकामी लोग उस मौके ते जेड़े मौजूद सन, जनाब मूसा अलैहि सलातो व सलाम दा मौजज़ा, आपने अपना आसा अपना सोटा सुटिया, सप बनिया ते बाकिया नू खा गया। जेड़े उत्थे मौजूद सन उन्होंने मौजज़ा वेखिया, जनाब ईसा अलैहि सलातो व सलाम खबर ते आ करदे सन, आप कबर ते खड़े होके फरमा मुर्दा खड़ा हो जांदा, ते पता लग जांदा जेड़े लोग इर्दा गिर्द सन, ए जनाबे मूसा अलैहि सलाम दा मौजज़ा। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अग विच छाल मारी, अल्लाह ने जिंदा बचा लिया है। ए मकामी लोगां ने मौजज़ा अपनिया अखां ना वेख्या। कुरान ऐसा मौजज़ा, 1400 साल गुजर गए ने, कुरान जिस हालत विच नाजल होया सी आज भी उस हालत दे अंदर मौजूद है। बल्कि इसे वास्ते मैं कहा करना वा, हिंदुआ सिखा मजूसियां बुद्ध मजहबा जाओ सारियां नू, मुसलमान अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल ए चैलेंज कर सकते ने, चैलेंज कर सकते ने। हिंदुआ नू आखो जेड़े तुसा अपने वेद बनाए ने उन्हां वेदां दा को हाफज लियाओ, सिखा नू जाके पुछो तुहाडी मुकद्दस किताब ग्रंथ है कोई इहदा हाफिज दिखाओ, जाओ जाके ईसाइयां ते यहूदियां कोलो तौरात ते इंजील दा हाफिज पुछो। मेरा दावा है ना तौरात दा हाफिज मिलेगा, ना इंजील दा हाफिज मिलेगा, ना वेदां दा हाफिज मिलेगा, और ना जनाब सिखा कोलो ग्रंथ दा हाफिज मिलेगा। भाई सानू आके पूछे तुहाडा दावा है कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह और एदी हिफाजत अल्लाह फरमा रहे ने, लियाओ तुसी कोई कुरान दा हाफिज दिखाओ। मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है, मैं 7 साल दे बच्चे तो लैके 100 साल दे बूढ़े तक दर्जनों नहीं सैकड़ों नहीं हजारा नहीं, मैं लखा ते करोड़ा कुरान दे कारी ते कुरान दे हाफिज पेश कर सकना। इस वक्त पूरा कुफर अल कुफर मिल्लतुम वाहिदा दी तस्वीर बन चुका है, पूरा कुफर इकट्ठा हो चुका है। कुरान दे खिलाफ इस्लाम दे खिलाफ प्रापेगंडा साजिशां मीडिया सारे इकट्ठे हो गए ने। जाओ मुताला कर लो, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, इस वक्त भी अगर सब तो ज्यादा दुनिया ते कोई किताब पढ़ी जा रही है तो रब का कुरान पढ़िया जाए। जाओ चक्कर लगा लो दुनिया,
इस वास्ते दोस्तों रब्बुल आलमीन ने इस किताब की हिफाजत का आप जिम्मा उठाया ते जिदी हिफाजत रब करे दुनिया की कोई ताकत उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आइए कुरान नाल दिल लगाइए, साहिबे कुरान नाल मुहब्बत पाइए। अगर कुरान और साहिबे कुरान नाल साड़ी मुहब्बत हो गई इंशाल्लाह दुनिया आखरत दोनों जहान दियाँ कामयाबियाँ कामरानियाँ साडा मुकद्दर बन जाएगियाँ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू किताबो सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। बारक अल्लाह। ये थे शेर रब्बानी जानशीन अलामा यज़दानी जनाब कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने खिताब फरमा रहे थे। जिस तरह आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। प्रोफेसर उस्मान जहीर साहब हाफिज़ाहुल्लाह की तकरीर शुरू होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर उस्मान जहीर साहब के बाद अशेख मोहम्मद कामिल मिस्री हाफिज़ाहुल्लाह ऑफ मिस्र उनकी तिलावत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजद साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाल्लाह उनका भी खिताब जल्द ही शुरू होने वाला है। अब बिला तख़ीर प्रोफेसर उस्मान जहीर साहब के खिताब से कबल मैं